फ्रेंड्स, हाउ आर यू? सो यहाँ पे मैं आप एक नई वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ। तो कुछ दिन मैंने डाला था पहले कि आप यू नो टैग कैसे सिलेक्ट करेंगे, ये जो टैग्स होते हैं यहाँ पे, ये टैग्स आपको डालने तो कैसे सिलेक्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे मेरे टैग्स लगभग ठीक हैं, लेकिन अभी मुझे कुछ टैग्स चेंज करने हैं। तो जैसे कि मैं इसके लिए मैंने यहाँ पे, आप देख रहे हैं, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे स्टूडियो अपलोड हो जाएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट है ये, और पेड वर्जन भी है। बट मैं फ्री वर्जन आपको बताता हूँ कि उसके फ्री वर्जन पे मैं कैसे कीवर्ड्स सर्च करता हूँ। तो आप ये यहाँ से देख सकते हैं, तो अपलोड कर लीजिएगा, उसका एक्सटेंशन यहाँ पे हो जाता है ऐड। आप यूट्यूब पे, गूगल पे सर्च कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या है कि जब मैं अब यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो मुझे एक ऑप्शन आ जाता है यहाँ पे, टैग टूल। ओके, यहाँ पे जब मैं कीवर्ड्स एक्सप्लोर करता हूँ तो मुझे ये विंडो आ जाती है ना, यहाँ पे मैं देखूंगा कि मेरे कीवर्ड्स कैसे हैं। अब उसके लिए क्या है कि ऑलरेडी मैंने कुछ कीवर्ड सर्च करके रखे हैं यहाँ गूगल से। तो मैं कैसे किया था मैं बताता हूँ। मान लीजिए आपका वीडियो किसका है, यहाँ पे जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो ये है कि प्रोडक्ट कैटेगरी है, मतलब वर्डप्रेस में टेक्नोलॉजी, जिसे वर्डप्रेस आता है वो समझता होगा। आप सिर्फ सुन लीजिए कि वर्डप्रेस में जब हम कोई यू नो ई कॉमर्स थीम अपलोड करते हैं या अमेजॉन एफिलेटेड थीम अपलोड करते हैं, तो जो प्रोडक्ट की कैटेगरीज होती है, जैसे होम अप्लायंसेस के अंदर क्या आएगा, यू नो मोबाइल्स के अंदर क्या आएगा, वो नहीं आती। तो उसके लिए तो मैं, या प्रोडक्ट कैटेगरीज है तो इसके लिए मैं जाता हूँ गूगल पे। गूगल पे जाके मैंने यहाँ पे सिर्फ इतना लिखा था, प्रोडक्ट कैटेगरीज नॉट सोइंग। देखिए सिर्फ इतना ही लिखा था मैंने, ठीक है ना, प्रोडक्ट कैटेगरीज नॉट सोइंग। तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं वर्डप्रेस, तो आपको ये कुछ कीवर्ड्स आ जाते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे इन्होंने ये लिखा है, यहाँ पे भी कुछ है, ठीक है ना। अगर आपके पास कुछ, आपने टूल से यहाँ पे किया होगा, मैंने एक टूल भी इंस्टॉल किया इसके अलावा, तो वो भी दिखा देता हूँ। मैं बीच में अपने एक्सटेंशंस को ऑफ भी करके रखता हूँ ताकि मेरा कंप्यूटर तेज चले। तो यहाँ पे आपके जो एक्सटेंशंस होते हैं वो आपको दिखने लगते हैं, जितने भी आपके अभी फिलहाल के जो एक्सटेंशन है ना। तो मेरे पास ऑलरेडी एक्सटेंशन भी अपलोड होते हैं, बट मैं ज़्यादातर गूगल की ही वैल्यू ज़्यादा करता हूँ, क्योंकि गूगल में सही चीज़ देती है। मतलब यहाँ पे मुझे जो प्रोडक्ट्स आ गए थे, जैसे प्रोडक्ट कैटेगरीज नॉट सोइंग का एक आ गया था, प्रोडक्ट्स कैटेगरीज अंडर द, तो मैं सिर्फ इसे कॉपी किया। तो पहले तो मैंने नोटपैड में ले लिया ये सारे कुछ ना, सारे टैग्स मैंने ले लिए थे। अब मैं देखता हूँ कि क्या है। अब मैं डालता हूँ प्रोग्राम विद, ये मुझे टैग कहाँ से मिला, इंटरनेट से मिला है ना, गूगल से मिला। इसके लिए मैंने कुछ ऐसे मशक्क़त नहीं की है। अब यहाँ पर मैं जाता हूँ, इसे डालता हूँ और चेक करता हूँ कि भैया ये कितना पावरफुल है, ये जो टैग है ना। तो ये देखिए, ये इतना बता रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। और देखते हैं, और भी ज़्यादा हो सकता है, एक बार आप कभी कभी दो बार, एक्सीलेंट। ये देखिए कितना है इसका रेट, 100% बता रहा है, ये देखिए, ठीक है ना। अब ये इसका 100% है, तो डेफिनेटली ये जो है टैग, ये मैं अपने टाइटल बार में ले लूँगा, मैन जो है यहाँ पे ले लूँगा, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे ये डाल सकते हो, ये हो गया। मैं यहाँ पे और भी कुछ टैग डाल दूंगा, एक तो ये टैग अच्छा मिल गया मुझे, है ना, इसे आप थोड़ी सा ठीक कर सकते हो। अब इसके बाद क्या है कि यहाँ पे देखिए, ये भी है, अब वीजी ये मैंने लिखा था, वेरी गुड, ये वाला कैटेगरीज, ये भी मुझे इंटरनेट से ही मिला, गूगल से मिला। तो मैं क्या करता हूँ, जब गूगल पे कुछ सर्च करना होता है तो यहाँ पे देखिए कुछ और भी होते हैं। यहाँ पे जब भी आप वर्डप्रेस से रिलेटेड चीज़ करते हो, या हो सकता है आपका सब्जेक्ट कुछ हो, कुछ टैग देखो अपने आप आ जाते हैं लेटेस्ट वाले। ये देखिए 10 जुलाई को ये इन्होंने कंटेंट लिखा, ये तो डेफिनेटली इन्होंने, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने ऑलरेडी रिसर्च किया होगा, तब ये लाइन ली ना। तो आधे ज़्यादा काम आपका यहाँ पे हो जाता है, तो आप इसमें ही से ले लो। ये देखिए कैटेगरी प्रोडक्ट्स यहाँ पे मैंने ले लिए। तो चलिए इनका ये चेक करते हैं कि इनकी वैल्यूज कितनी है और कितना अच्छा है ये। तो फिर मैं नीचे पे आया, हाँ, आपने जो यहाँ पे लिया है ऊपर टैग में लिया है वो नीचे भी लगा लीजिए आप, वेरी इजी। अब मैं ये वीडियो ऐसे कभी नहीं बनाता कि एक दिन में 1000 सब्सक्राइबर करें, या यू नो आप एक क्लिक में 1,00,000 सब्सक्राइबर करें, वैसा पागलपन मुझसे नहीं होता है, ना कहीं है इस दुनिया में। तो अब ये दूसरा वाला चेक करते हैं हम लोग, और यहाँ पे हम इसे फिर से चेक करते हैं एक बार। तो मैं पूरे चेक नहीं करूँगा, आप समझ जाएंगे मैं क्या बोल रहा हूँ। सारे के सारे कीवर्ड्स मैंने गूगल के फर्स्ट पेज से लिए हैं, और पिछली बार वीडियो में मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ कि अगर आपको यूट्यूब से सर्च करने हैं कोई कीवर्ड्स, तो आप कैसे सर्च कर सकते हो।
तो देखो थोड़ी सा टाइम तो आपको लगाना होगा इसे, क्योंकि अभी मैं जो ये वीडियो अपलोड कर दूंगा वो अगले 5 साल तक 10 साल तक 20 साल तक अगर कुछ नहीं हुआ तो 100 साल तक अपलोड रहेगा। तो जब ये वीडियो हमोशे के लिए अपलोड होने वाला है तो क्यों ना इसमें अच्छी चीज़, अभी देखो इसकी कैटेगरीज भी बता रहा है 53%, ये अच्छा है। तो अगर ये बहुत अच्छा है इधर तक आता हरे तक, इसे आप कहाँ ले लीजिए, इसे आप टैग में ले लीजिए, आपका मेन टैग है। और नहीं तो आप सबसे पहले सर्च करके यहाँ पे एक लिस्ट बना लीजिए, देखिए मैंने ऑलरेडी लिस्ट बना ली है ना, तो इसी टैग्स को आप क्या करिए वहाँ पे अपने उसमें डाल दीजिए। अब मैं टैग्स में डाल दीजिए, अब यहाँ पे जाता हूँ मैं, तो इस प्रकार से। अब एक चीज़ और बताता हूँ, जब मैं ये टैग सर्च करता हूँ प्रोडक्ट कैटेगरीज नॉट शोइंग इन वर्डप्रेस या फिर आप तो ये देखिए कुछ कुछ आ जाते हैं मेरे पास टैग। अब यहाँ पे मैं चाहता तो ये भी ले लेता कैटेगरी, तो इसका भी वर्ड है, मगर मैं अब ये जाता हूँ वाई प्रोडक्ट रेट ही नॉट शोइंग ये टाइप के कीवर्ड्स ही ले सकते, ये देखिए कैटेगरी इज नॉट शोइंग फर्स्ट पेज, ये लिया मैं। चलो मैं इसे चेक करता हूँ कि ये कैसा है कीवर्ड्स। तो ज़रूरी नहीं कि हर बार आप वो करें, क्योंकि आप जाएं और YouTube से ही सर्च करें, आप Google से ले सकते हैं ऑलरेडी। देखिए ये कीवर्ड्स बहुत अच्छा है, ये भी मैंने ले लेना है, तो चलिए ये भी मैं रख लेता हूँ। तो इस प्रकार से ये मेरे हो गए कीवर्ड्स, हो गए। इसमें से आप कुछ चाहें तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं जो आपको लगता है कि जो सबसे अच्छे हैं, जिसमें यू नो ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज बता रहे हैं। और बाकी आपको क्या करना है, यहाँ पर अगर कुछ हो तो मैंने ग्रामरली लिया है, यहाँ पर ऑलरेडी सेव करके रखा है, तो उसके कारण मेरी स्पेल चेक खत्म हो जाती। यहाँ पे मैंने पिछले वीडियो का टैग दिया है, अब थोड़ी सा डिस्क्रिप्शन लिख दिया है मैंने यहाँ पे, ओके। अब यहाँ पे ये देखिए प्रोडक्ट कैटेगरीज ये कुछ है नहीं, इसके एक भी परसेंटेज नहीं बता रहे, तो फिलहाल मैं ये रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। तो 1, 2, 3 चलो बाकी के मैं ये लगा दूंगा, ठीक है। तो ये लेता हूँ, ऊपर का मैं लगा चुका हूँ ऑलरेडी, फिर मैं ये ले लेता हूँ। तो क्या होता है कि जो अल्गोरिदम होता है गूगल का, वो ऐसा होता है कि ऐसे ज़रूरी नहीं है कि आपका एक वीडियो पुराना वाला अपलोड हो और हर दिन आप नया वीडियो ही अपलोड करें, ऐसा ज़रूरी नहीं है। कभी कभी क्या है कि आप जानते हैं विकिपीडिया में क्यों, विकिपीडिया सबसे आगे क्यों है, अगर किसी पर्टिकुलर हमें इंफॉर्मेशन चाहिए वो इसलिए आगे है क्योंकि उसमें अपडेशन होते रहते हैं नई चीज़ के, नए टेक्स्ट के, नई बातों के। तो अगर आप चाहते हो कि आपके वीडियो का, अगर उस दिन आपको वीडियो बनाने का शौक नहीं है, अगर ये देखिए ये हो चुके हैं ऑलरेडी, इसमें से कुछ मुझे डिलीट करने होंगे, इसलिए लास्ट ही ले लेता हूँ। ये 500 चाहिए ना मुझे, ये 543 हो रहे हैं, तो ओके इट्स गुड। तो इतने ले लिया मैंने टैग। अभी बोलोगे कि सर ये टैग का क्या करोगे आप, है ना, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, एक्चुअली ये टैग ले लेता हूँ और ये मैंने ले लिया यहाँ पे, ठीक है, ले लिया। अब क्या होता है कि गूगल होता है ना वो ऐसे मानता नहीं है, तो इसको मैं सेव टेक्स्ट है ना जो मेरा, इसे मैं कुछ सेंटेंस में बदल लूंगा, सॉल्व प्रॉब्लम विद कैटेगरीज नहीं, ये देखिए सेंटेंस में बदल गया, वही चीज है लेकिन ये सेंटेंस बदल गया, है ना। अब मैं क्या, इफ कैटेगरीज आर नॉट शोइंग इन ऑन सॉफ्ट पेज, द थीम, है ना, थीम, तो ये मैंने ले लिया, इसे मैंने ठीक कर दिया, है ना। और यहाँ पे आने के बाद प्रोडक्ट ग्रेडिएंट नॉट वर्किंग, ये देखिए ये हो गया। तो ये मैं पूरा नहीं लिखने वाला, लेकिन आप देख रहे हैं कि मेरा जो भी प्रॉब्लम थी यहाँ पे, मैंने उसे यहाँ पे सॉल्व करके इसमें डाल दिया ऐसे, है ना। तो ये कुछ पॉइंट है,
दीजिए, यहाँ पे ऐसे आप लगा दीजिए कुछ एक, ले लीजिए, एक बार और चेक करता हूँ, ये हो गया। यहाँ पे आप जाइए, इसे नंबर वाइज जमा लीजिए, अल्फाबेट कर लीजिए, यहाँ पे जाएंगे आप ये कैटेगरी का। तो अभी देखिए, अभी ये क्या हो गया, ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी ने पॉइंट्स लिखे हैं यहाँ पे, है ना। अब आप इसको यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, ये देखिए, तो ये प्रॉपर हो गया, ये कीवर्ड्स हो गए। मगर हमने ये ऐसे जबरदस्ती कीवर्ड्स नहीं लिखे, हमने इसे पॉइंट वाइज कर दिया। तो इस प्रकार से अभी जो है वीडियोस आपका थोड़ी सा ज़्यादा व्यू होने के चांसेस हैं। तो ये सिंपल सा ट्रिक्स है, मैंने यहाँ पे गूगल का ही यूज़ किया है और आप देख रहे हैं सारे कीवर्ड्स मुझे वहाँ से मिल गए। तो हर बार मैं ऐसा नहीं है कि यूट्यूब से लेता हूँ। अगर यूट्यूब से टैग कैसे लगाते हैं देखना है तो आप मेरा पुराना वीडियो देख सकते हैं।